वीडियो में मैं आपको 258 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर हुए। फिर इसमें आपको टेबल आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती है उसी तरह मैंने 258 की भी दो ब्रांचेज बनाई। लेफ्ट साइड आपका हमेशा प्राइम नंबर होगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पर इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो 2 × 129 258 हुआ। राइट साइड अब भी प्राइम नंबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 43 129 हुआ। राइट साइड में प्राइम नंबर आ गया है 43, तो इसका मतलब है कि फैक्टर ट्री यहीं पे क्लोज होगी। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम इसमें सभी के सभी प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। तो 2 × 3 × 43 258 हुआ। 258 ही की फैक्टर ट्री बनानी थी, इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही। एंड 2, 3 एंड 43 258 के प्राइम फैक्टर्स होंगे।